जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे सही देखा कि किस तरह से आप महेंद्र सिंह धोनी से बात करोगे। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी से क्यों बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो माय इलेवन सर्किल है उसका ब्रांड इन्वेस्टमेंट जो करता है वो महेंद्र सिंह धोनी है। क्या वो लोग इतना बिजी है आपसे बात करेगा? तो महेंद्र सिंह धोनी तो शायद बात नहीं करेगा क्योंकि इतना बिजी लोग है, लेकिन उनकी जो एम्प्लॉय है, उनकी जो कस्टमर है, आप उनसे जरूर बात कर सकते हो। यानी कि अगर माय इलेवन सर्किल पर आप टीम लगाते हो, पैसा लगाते हो भाई, अपना पैसा देते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपका पैसा काटने में प्रॉब्लम हो, मतलब मैच फिक्स करने में, या पैसा विड्रॉल करने में, या वेरिफिकेशन में आपका प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो अगर आपकी माय इलेवन सर्किल पर, तो किस तरह से उनकी कस्टमर से बात करोगे, आज की वीडियो आप पूरा देख लेना। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि उनकी जो कस्टमर केयर है उससे किस तरह बात करोगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे पैसा भी फंस जाता है। मान के चलो आपने 500 रुपये ऐड कर दिया, लेकिन बाद में उसे निकल नहीं सकते हो, या मतलब आप मैच फिक्स नहीं कर सकते, या अकाउंट वेरीफाई नहीं होता, या आपका वेरिफिकेशन जो केवाईसी वेरीफाई होता है वो भी पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से आपको पैसा वेस्ट हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको पता चलेगा, शायद ये यूट्यूब का पहला वीडियो कि किस तरह से जो माय इलेवन सर्कल है उनकी कस्टमर केयर से आप बात करोगे। स्टेप बाय स्टेप देख लेना। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आप जो माय इलेवन सर्कल है उसकी कस्टमर आने की उसकी ओनर से किस तरह से बात करोगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपका विड्रॉल करने में प्रॉब्लम हो, या मैच सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो, या आपको पैसा ऐड करने में प्रॉब्लम हो, या रिफंड लेने में प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो किस तरह से आप बात करोगे। तो आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल ही जाएगा कि किस तरह से उससे फ़ोन पर बात करोगे, या मेल करोगे, या फैक्स करोगे। तो आज की वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपको पता चल ही जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ जो आपको माय इलेवन सर्कल दिख रहा है, या अगर आप माय इलेवन सर्कल या ड्रीम इलेवन सर्कल, या आप ड्रीम इलेवन चलाते हो, या MPL चलाते हो, कुछ भी आप चलाते हो, तो आपको सिंपल उसी ऐप से चला जाना है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ आपको जो आपको दिखेगा माय इलेवन सर्कल, सिंपली आपको सिंपली इस पर टच कर लेना है, और टच करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। वीडियो को पूरा आप देख लेना, आपको पता चलेगा कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, चाहे पैसा विड्रॉल करने में हो, या आपको मैच फिक्स करने में हो, या पैसा आपका नहीं काटता हो, या आप पैसा ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ फ़ोन पे भी बात करके कर सकते हो, या आप मेल या फैक्स करके कर सकते हो। तो यहाँ तो आपको पहले क्रिकेट वाला ऑप्शन दिखेगा, अगर यहाँ आप टच करते हो तो फुटबॉल का जो मैच है वो दिखेगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और यहाँ अपकमिंग मैच दिखेगा, यहाँ लाइव दिखेगा, यहाँ कॉम्प्लीट मैच दिखेगा। तो ये सब आपको छोड़ना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधा आपको नीचे आ जाना है। यहाँ आपको होम वाला बटन दिखेगा, यहाँ दिखेगा रिफर एंड अर्न, और उसके बाद क्रम दिखेगा, उसके बाद परमिशन, यहाँ आपको दिखेगा मोर वाला ऑप्शन, ये जो आप देख पा रहे हैं मोर, यहाँ 3 लाइन खींचा हुआ है और मोर वाला ऑप्शन लिखा हुआ है। सिंपली आपको इस पे जाना है, बाकी किसी पे जाना नहीं है। जाने के बाद यहाँ आपको दिख जाएगा अकाउंट डिटेल्स, लेदर बोर्ड, विड्रॉल, यानी कि आपका जो पैसा विड्रॉल करना है, जॉइंट प्राइवेट कंटेंट्स, फैंटेसी सिस्टम्स, बहुत सब कुछ दिखेगा। लेकिन यहाँ आपको कुछ काम नहीं है, यहाँ आपको दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट। वीडियो का पूरा देखना तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ आपको दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट, तो आपको सिंपली इस पे ही होकर कर लेना है। जैसे आप हेल्प एंड सपोर्ट पे हो करोगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा फैक्स का ऑप्शन, यहाँ दिखेगा हेल्प सेंटर, यानी कि उनका हेल्प सेंटर पे पहुँच सकता है, और यहाँ आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट एस। वीडियो का लास्ट तक देखना, आपको पता चलेगा कॉन्टैक्ट एस। तो सिंपली आपको कॉन्टैक्ट एस पे इस तरह से होकर कर लेना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट एस होकर करोगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो जिस ईमेल आईडी से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके रखा है, चाहे आपका ड्रीम इलेवन हो गया, या माय इलेवन सर्कल हो गया, MPL हो गया, वही ईमेल एड्रेस यहाँ आपको शो कर देगा, और जो आपका वीजर नाम है ये शो कर देगा। मैं ईमेल एड्रेस थोड़ा सा हाइड रखा हूँ इसलिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और यहाँ आपका जो वीजर आईडी का नेम है, वीजर नेम है, वो दिख जाएगा, और यहाँ आपको लिखा है सिलेक्ट दी कैटेगरी, यानी कि आपको कैटेगरी एक सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप ये वाला ऑप्शन पर टच करोगे, यहाँ टच करने के बाद आपको यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा हाउ टू प्ले, ऐड कैश, विड्रॉल कैश, टेक्निकल या अदर्स। अगर कोई आपका प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मान के चलो मैं KYC का प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ अदर्स पे लगा देता हूँ। बहुत सारे लोगों का KYC पेंडिंग हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ अदर वाला सिलेक्ट किया। यहाँ लिखा है सिलेक्ट दी सब कैटेगरी, यानी कि सिलेक्ट दी सब कैटेगरी, फिर से आपको ये वाला ऑप्शन पर टच करना है, ये वाला पे मैंने टच कर लिया, और यहाँ फिर से वही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जो प्रॉब्लम है यहाँ आपको दिखेगा। अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ मैच कर जाता है, जैसे कि रिफंड के सैलरी रेट, या टीम नेम चेंज, या जो भी आपका प्रॉब्लम है, लेदर बोर्ड में चेंज आता है, या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ KYC का, जैसे कि मेरा प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ अदर्स पे ही ओके करूँगा, क्योंकि मेरा KYC पेंडिंग पे है, मैं आपको आगे चलकर दिखा दूँगा। तो ये तो दोस्त सिलेक्शन हो गया, और यहाँ आपको क्या करना मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ जो मैसेज है, आपको मैसेज वाले बॉक्स में कुछ लिख देना है, जैसे कि मेरा KYC प्रॉब्लम है, मैं KYC के बारे में समझाता हूँ।
अगर अदर्स कोई और आपका प्रॉब्लम होगा तो आपको यहीं लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ KYC यानी कि KYC पेंडिंग प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टाइम। मान के चलो मेरा बहुत दिनों से KYC नहीं हो रहा है, क्योंकि ये KYC का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो कुछ इस तरह से लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखने के बाद जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ आपको दिखाई देगा ह्यूमन वेरिफिकेशन, यानी कि आप इंसान है या कोई रोबोट है आपको वेरिफिकेशन करेगा। तो ये जो आपको कैप्चा है, ये वाला आपको जो कैप्चा दिख रहा है, आपको इस बॉक्स पे फिल कर देना है। तो इस बॉक्स पे अगर ये समझ में नहीं आता है तो आपको यहाँ से जो तीर वाला दो आई के निशान दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर टच करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और मैं इसको यहाँ फिल कर देता हूँ आपके सामने, मैं आपके सामने फिल करता हूँ फिर बात करता हूँ। तो ये देखिए मैंने आपके सामने कैप्चा को फिल किया, और फिल करने के बाद यहाँ सेंड वाले ऑप्शन पर आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो मैं सेंड पे जैसे वो करता हूँ, सॉरी मेरा सेंड इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपको छोटा सा लिख के देना है कि आपका इशू क्या है। तो यही भी यहाँ भी मैं वही सेम KYC का प्रॉब्लम लिख दूंगा, KYC पेंडिंग प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टाइम लिख दूंगा, लॉन्ग टाइम इस तरह से लिख दूंगा। लिखने के बाद फिर से आपको कैप्चा चेंज हो गया होगा, आपको कैप्चा आपको लिख देना है यहाँ, ये वाला कैप्चा को यहाँ फिल कर देना है। मैं कर लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये देखिए जो सब था मैंने यहाँ फिर से दोबारा आपको पूरा डिटेल्स डाल दिया, आने की कैटेगरी भी डाल दिया, सब कैटेगरी भी डाल दी, यहाँ थोड़ा सा इशू लिखने को बोलता है वो भी डाल दिया, और यहाँ से मैसेज भी एक लिख दिया। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपका जो कैप्चा है इसको यहाँ सेम टू सेम फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ जो सेंड वाला आपको बटन दिख रहा है, आपको सेंड वाले बटन पर टच कर देना है। जैसे आप टच करोगे ये आपका ऑटोमेटिकली चला गया है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपको मैसेज कर देगा या मेल कर देगा माइलवेन सर्कल से जो आपका प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसे कि आपको बताऊंगा प्रूफ दिखाऊंगा करके, उसके लिए मैंने अपना मेल पे चलूंगा, ये जो आपको मेल दिख रहा है जीमेल, तो आपको जीमेल पे सिंपली चला जाना है, क्योंकि आप जिस अपना ईमेल आईडी से चालू करके रखा है उस पर ये मेल जीमेल कर देगा आपको। तो सिंपली यहाँ देख पा रहा है माइलवेन सर्कल का एक मेल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स टू योर, जो आपको यहाँ मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख लेना। तो जो जो प्रॉब्लम है यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ आप देख सकता है कि आपका कितना प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, कितना दिन आप अगर पैसा निकालोगे उतना टाइम लगेगा, विड्रॉल करोगे टाइम लगेगा, कितना वर्किंग टाइम है, यहाँ सब कुछ आपको लिखाई दे रहा है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत सारा टाइम हो सकता है, और क्या क्या कितना कंडीशन है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ सब कुछ पढ़ सकता है। तो ये बहुत क्विकली मैसेज करता है और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स हो जाता है। अगर मैं आपको फ़ोन नंबर देना सिखाऊंगा तो ये वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा, और फ़ोन नंबर पे उतना जल्दी शायद बात भी नहीं करता, वो लोग बिजी होता है, लेकिन मेल पे तुरंत आपको मेल रिटर्न मिल जाता है। अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए, उनका फ़ोन नंबर से ही डायरेक्टली बात करना है, आपको मेल लिखना नहीं आता या और कुछ, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं और एक वीडियो उस पर पर्टिकुलरली बना दूंगा कि किस तरह से आप फ़ोन पे ही बात करोगे। तो चलिए उम्मीद करूंगा आज के वीडियो में कुछ जानकारी जरूर मिला, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल वाला घंटी जरूर दबा कर रखना, ताकि इसी तरह नॉलेज वाला वीडियो आप तक जरूर पहुँचता रहे।